अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हूँ हारिस अजमी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की बड़ी अहम और ज़रूरी पेशंगोइयाँ लेकर। हफ़्ते का आगाज़ काफ़ी मसरूफियत से होगा। बड़ी खुशखबरी है, इस हफ़्ते जुपिटर अपना घर बदल के आतशी नेचर के सितारे में दाखिल हो रहा है, सेजिटेरियस में दाखिल हो रहा है। एरीज को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा फ्यूल जनरेट होने वाला है इस हफ़्ते जिसकी वजह से रिवॉर्ड्स बड़े प्रॉपर अफेक्टिव और आपके मंसूबों से गैर मामूली मुनाफा उठने जा रहा। इस मुनाफे के इवज़ आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिनात में से होगी। इस मुनाफे के इवज़ आप अपनी ज़रूरियात को भी बहुत फर्मली, बहुत ईजीली पूरा कर जाएंगे और लॉसेस को भी रिकवर कर पाएंगे जॉब के हसूल के लिए। ये जो जुपिटर है ये सितारा खुशबख्ती भी कहलाता है। इसका फ्रेंडली हाउस में होना एरीज़ के लिए आसानियां पैदा करेगा, कैरियर ओरिएंटेड सहूलतें, ऐसी सहूलतें जिसमें नौकरी के हसूल में आसानी, जिसमें कैरियर या ज़रिया माश में एक से ज़्यादा काम शुरू करने में आसानी, या एक ही कारोबार को कई पहलू से, कई इकदाम से करने की कई इकदाम करने की आसानी ये पैदा हो सकेगी और आप खुश असलूब भी कर जाएंगे उसको। इस वक्त आपके पास मंसूबे होने चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, वसाइल होने चाहिए और कुछ कर गुज़रने का जज्बा होना चाहिए। एरीज़ अपनी फितरत में ज़हीन पाए गए हैं, अफेक्टिव पाए गए हैं, प्रैक्टिकल पाए गए हैं, लेकिन थोड़े जल्दबाज भी पाए गए, थोड़ा सा गुस्सीले भी पाए गए। सो ये वाले पहलू जो आपके नेगेटिव साइड के हैं इनको रिकवर करने की ज़रूरत है इस वक्त। बहरहाल वीनस रेट्रो चल रहा है एरीज़, ये अब आपको समझ जाना चाहिए कि वीनस के रेट्रो होने से तबीयत में थोड़ा ड्राइनेस रहेगी, थोड़ा खुश्क मिजाजी आएगी और वो खुश्क मिजाजी उकताहट के झटके आ सकते हैं, रिश्तों की तरफ से थोड़ी सी ट्रबल्स आ सकती हैं, तो उसको आपको मैनेज करना है। उसके मैनेज करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से बड़ी बड़ी रेमेडीज़ आपको दे रखी हैं जो मेरे 15 साल एक्सपीरियंस पर मबनी है, जिनका फीडबैक मैंने अपने तजर्बे से हासिल किया, पढ़ कर नहीं, पढ़ने के अलावा जो मैंने अपनी ज़ात में एरीज़ को इस सूरत में से निकालने के लिए जो अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को मैंने प्रिस्क्रिप्शंस दी है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। एक तो ब्लू सफायर आइडियल है आपके लिए, आपका बर्थ स्टोन भी है। डायमंड आपके लिए वैसे बहुत इफेक्टिव है, लेकिन डायमंड हर किसी की अप्रोच में नहीं होता, लिहाजा उसकी रिप्लेसमेंट में अगर ब्लू सफायर 8 कैरेट का पहना जाए तो कैरियर ओरिएंटेड डिज़ास्टर्स को, ड्राई नेचर को, गुस्से को रिकवर किया जा सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ये जो मूड स्विंग्स की वजह से ट्रबल्स आती हैं उसको रिकवर किया जा सकता है। अपनी फितरत में जो उकताहट महसूस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बढ़ती चली जाती है, इसको रिकवर करने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपना बर्थ स्टोन पहने। साथ में सूर्य शम्स, हम लोग मजहबी तौर पर अगर अपने अंदर खैर और बरकत पैदा करें जिससे हमारे अंदर ईमान की मजबूती भी पैदा हो, हमारे अंदर जो आइडियाज़ हैं वो भी फर्म हो जाएं, हमारे अंदर कुछ कर गुज़रने का जो जोश व खरोश है वो भी पैदा हो, तो वो सूरज शम्स और बिलू सफ़ायर से भरपूर अंदाज से मिलेगा। अब जो दीगर चीज़ें हैं जो जनरली बयान करना चाह रहा हूँ वो छोटी हैं, वो बयान करता हूँ। तकलीफ़देह कामों को बहुत आराम से कर जाएंगे, ये तेज़ दिमागी की वजह से पैदा होगा, ये आपके आइडियाज़ की वजह से पैदा होगा। सलाहियतों को भरपूर अंदाज से ब्रुएकार ला पाएंगे, ये भी आपके पास ये जो पैशन है, ये जो जज्बा है, इसके इवज़ पैदा हो सकेगा। तालिब इलम अपने मिशंस को खुश उसलूबी पूरा कर पाएंगे, ये भी आपके जहानत की वजह से पूरा हो पाएगा, ये जुपिटर की वजह से रिवॉर्डफुल भी होगा। अमूमी तौर पर जो आपको मुनाफा मिला करता था तालिब इलम जो सरगर्मियाँ करते थे, अब जुपिटर की सपोर्ट की वजह से वो ज़्यादा रिवॉर्डफुल होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपको ज़्यादा रेशो ऑफ सक्सेस मिलेगी। कुछ कर गुजरने की जो कसक और तड़प है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। डर से मुकाबला करने की सलाहियत भी इसी जहानत से पैदा हो पाएगी, बट वो जो एक एटीट्यूड जो आपका एक मनफी सोच जो है आपकी, उसमें कमी लाने के लिए आपको अपने इस होल से बाहर आना होगा और उसके लिए ये ब्लू सफ़ायर बहुत उमदा है। जुपिटर की सपोर्ट से ये हफ़्ता वैसे काफ़ी प्रोडक्टिव गुजरेगा, लेकिन इस वक्त वीनस रेट्रो है, सन थोड़ा सा जवाल का शिकार है, इसकी वजह से फैसले करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। उसको ओवरकम करने के लिए मैंने रेमेडी दे दी है, ब्लू सफ़ायर अफेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है, बहुत लंबे अरसे तक फ़ायदा देगा, नेचर की कमियों को भी दूर कर देगा। सो ये हफ़्ता इस अंदाज से आपका गुजरता चला जाएगा।
इस हफ्ते, अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा बड़ी खबरें हैं, और वो खबरें कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली है, लेकिन क्योंकि वो सस्पेंस है अगले हफ्ते बयान करेंगे। लेकिन एक खुशखबरी बहरहाल ज़रूर बयान करूंगा, पिछले हफ्ते हमने ये जिक्र किया था कि हम जल्द लाइव आने वाले हैं और इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपके ज़रूर लेंगे, जिससे आपकी ज़ात से रिलेटेड जो फोरकास्ट होंगी, जो आपकी ज़ात से रिलेटेड पेशेंगोइयाँ होंगी वो की जा सकेंगी। सो हमने अपना सेटअप, मेरी टीम ने अनथक मेहनत के बाद अपना सेटअप पूरा कर लिया है। हम लोग मंडे को रात 10 बजे मंडे 29 अक्टूबर को पहला लाइव शो रात 10 बजे हम करने जा रहे हैं। हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होगा, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा, और जिस तरह का भी आप सवाल अपनी ज़िंदगी में सितारों की रोशनी में पूछना चाहेंगे वो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, उसके हल और उसके जो वजूहात हैं आपकी ट्रबल्स के या आपकी सोच में जो जो ख़राबी है इसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं भरपूर अंदाज से पूरी करने की कोशिश करूंगा। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम लोग लाइव आएँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन के इवज़ आप उस वीडियो को लाइव देख सकेंगे और अपने सवाल गिवन नंबर पर, उस वक्त नंबर भी आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, आपके मोबाइल सेट्स पर, यूट्यूब पर आप देख पाएंगे और उस पर ही आप कॉल कर सकेंगे और उस कॉल को फिर हम लोग ऑब्लाइज करेंगे अपनी प्रोफेशनल स्किल से। होपफुली आप हमारे इस इकदाम को ज़रूर सराहेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मंडे को दोबारा हाज़िर होंगे, मंडे को रात 10 बजे 29 अक्टूबर को पहला शो इंशाल्लाह लाइव जाएगा मेरी और मेरी टीम की कोशिशों से। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।